कमेंट आया था कि भाई यहाँ से अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो भाई नहीं अप्लाई करते हैं, वेबसाइट है यहाँ की। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई लोग कैसे हो? आई होप, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और भाई आज क्या है ना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, मतलब छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, मेरी ज़्यादा लेंदी नहीं है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई यहाँ पर मतलब कि आए हो तो कैसे कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो भाई देखो, सारी वैकेंसी मुझे यहाँ पे जो मोस्टली लोग आते हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि आप ऑफलाइन आप जा नहीं सकते हो। जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन यहाँ पे पूरी वैकेंसी जितनी आती है ऑनलाइन। अगर आप उनकी ऑफिस भी जाओगे तो वो अपना ईमेल आईडी दे देंगे, या तो बहुत करेंगे सीवी सबमिट कर लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आपको ईमेल आईडी दे देंगे, आपकी इसी पे ईमेल कर दें। तो आप कोशिश ये करना कि आने के बाद भाई यहाँ पे मैं तीन चार वेबसाइट है और चार पांच वेबसाइट है यहाँ की जो ऑनलाइन जो जॉब्स है वो उस पर आती है। तो सबसे पहले इंडीड है, दूसरा नौकरी गल्फ है, तीसरी मुरजान है, फिर स्किल भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और इस पर भी काफ़ी वैकेंसी आती है स्किल वे पे। और लिंक्डइन पे आपको क्या है कि आपको कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको आगे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो उससे भी कई वैकेंसियाँ निकलती है। फिर आपको हफ्ते दो हफ्ते में आपको क्या करना कि 10 दिन 15 दिन पे आपको यहाँ पे जाके हर 10 दिन 15 दिन पे आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। सीवी जाके ड्रॉप करो, ऑफिस में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद आपको सीवी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है एज अ फ्रेशर जब आप आओगे इंडिया से, अगर यहाँ का गल्फ का एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप फ्रेशर हो यहाँ का तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है जॉब की। मैं एज अ सिविल इंजीनियर, मैं इंजीनियर की बात करूँगा भाई, इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्या है कि एक एग्ज़ाम होता है बल्दिया का, म्यूनसिपाल्टी का, अगर आपको आप अप्रूव्ड इंजीनियर नहीं हो तो फिर बहुत दिक्कत है एज अ फ्रेशर को ज्वाइनिंग देना यहाँ पर। बहुत कंपनियाँ मतलब एंट्री नहीं देती है, लाइसेंस चाहिए और क्या नाम है आपको म्यूनसिपाल्टी एग्ज़ाम को, जैसे शारजा हुआ, दुबई, सारे स्टेट का अलग होता है। तो ये चीज़ें भाई आपको यहाँ पे आगे फेस करना। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आपने अप्लाई किया तो कुछ यहाँ पे कंसल्टेंसी वाले भी आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए कि आप 150-200 रुपये जमा करा दो, आपको मैं ये करा दूँगा, आपको ट्रेनिंग दूँगा, आपकी वैकेंसी लगा दूँगा, आपको इंटरव्यू के लिए भेजूँगा। भाई जहाँ पैसा मांगे आप इंटरव्यू देने जाओ, जहाँ पैसा मांगे आप बैग उठाओ और चले आओ, कुछ भी मत बोलना। ओके, यहाँ पे बहुत फ्रॉड लोग मिलेंगे कि आपको 200-150 रुपये दे दो दिराम, आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन ये भाई वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको साढ़े तीन महीना का वीज़ा लेकर आते हैं, या तो एक महीने का वीज़ा होता है, उनको पता है आपको टहलाते रहेंगे और एक महीना आपका वेस्ट कर देंगे, तीन महीना पूरा वीज़ा आपका वेस्ट कर देंगे और ऑटोमेटिक आप घर चले जाओगे, क्योंकि आपकी जॉब लगी नहीं है। आप सर्वाइव यहाँ करना भी बहुत महंगा भी है, कॉस्टली भी है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक भाई का भी मैसेज आया था कि भाई कितना खर्चा आया था, क्या है भाई, एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा तो मैं इधर बना नहीं पा रहा हूँ। तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, मेरा कितना खर्चा हुआ, आना कैसा हुआ, मैं क्या कर रहा था लखनऊ में। देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं लखनऊ में जॉब कर रहा था एज अ सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे था, पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एज अ बहुत अच्छी कंपनी है वो, और ये नोएडा में इनका मतलब बिग कंस्ट्रक्शन हुआ है, हो रहा है, अभी चल ही रहा है। और लखनऊ में अभी इनका पहला प्रोजेक्ट था पूर्वांचल किंग्स रोड, दूसरा पूर्वांचल कैपिटल टावर। ये इनका मतलब इस कंपनी में अच्छी कंपनी से काम करोगे ना तो यहाँ पे जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये लोग मतलब आपकी कंपनी का नाम जानते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा लगता है कि जैसे पूर्वांचल में कई जगह इंटरव्यू देने गया था तो वो मेरी कंपनी का नाम जानते हैं, कुछ दिल्ली के एचआर थे वो भी जानते हैं आसपास के। तो ये अच्छा होता है कि आप किसी अच्छी जगह से एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो बहुत मायने रखता है यहाँ पर। तो भाई मैं आज के लिए बस इतना ही, और भाई फ्रॉड से बचना, फिर एक बार कहूँगा फ्रॉड से बचना, यहाँ पे बहुत फ्रॉड है जो आ रहे हैं वो इंटरव्यू देने के लिए, भाई 100-150-200-300 दिराम अगर मांग रहे हैं तो पैसा मत देना। ओके, फिर मैं भाई वीडियो लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आऊँगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम मिलेगा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा सिविल से रिलेटेड, यहाँ इंजीनियरिंग का क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर चलता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना रखना। ओके ओके, फिर मिलता हूँ भाई जल्दी।